अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के सिलेक्शन में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट वन की और इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, मैंने ना कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू पेपर प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 करवा रहा हूँ। आप स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोज को लाइक करें और इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। और इसके अलावा हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको 2023 में बीकॉम पार्ट टू कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे। आपको किसी टीचर, किसी आपको एकेडमी के सर की समझ में नहीं आती तो आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाएं, आपको हर क्वेश्चन हर एक वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा आपने इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। देखिएगा स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे। देखें, मैंने आपको ना कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिलेटेड ना मैंने अभी तक आपको कौन कौन से चैप्टर करवा दिए। मैंने चैप्टर नंबर 1 से आपको 6 क्वेश्चन आपको करवाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। वो 6 क्वेश्चन आपके कौन कौन से थे, नोट डाउन फिर दोबारा कर लीजिएगा। नंबर 1 मैंने आपको करवाया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, फिर मैंने आपको करवाया नंबर 2 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, नंबर 4 मैंने आपको करवाया स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, नंबर 5 मैंने आपको करवाया डिफरेंस बिटवीन डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर, और नंबर 6 क्वेश्चन आपका है यूजेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। ये 6 क्वेश्चन आपने, और इन 6 क्वेश्चन में से आपको 2 आते हैं हर साल, इस साल भी 2 आए थे, ठीक है ना। आपको 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर इस चैप्टर को स्किप करता है ना तो स्टूडेंट्स समझिएगा उसने 2 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए। अगर फर्ज करें वो टफ, बहुत ही टफ देता है पेपर, मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको तो लाजमी देगा। इसके अलावा हमने सेकंड चैप्टर कौन सा किया, डाटा प्रेजेंटेशन। इसमें हमने कौन कौन सा चैप्टर किया था, नंबर 1 हमने क्वेश्चन इसमें से कौन कौन सा किया था, नंबर 1 हमने क्वेश्चन किया डिफाइन डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड हाउ डाटा बिकम इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन का दूसरा नेम है डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, ये डाटा प्रोसेसिंग का हमारा चैप्टर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और दूसरा क्वेश्चन इसमें से हमने किया था 3 लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, इसका मतलब 6 और 2, 8 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन लाजमी आएंगे। और इस चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आपको हर साल आता है, चाहे आप लास्ट 20 ईयर्स के पेपर का मतलब उसको एग्जाम कर लें, देख लें उसको, ठीक है ना। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 हमने किया था, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास था कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला, उसमें से मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे, नेटवर्क टोपोलॉजी, फिर मैंने लैन मैन और वैन इन तीनों का डिफरेंस, और उसके अलावा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग करवाया था। इसका मतलब आपके 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन में से अगर आपको पहले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन देता है ना तो आपको आपके अभी तक 4 क्वेश्चन पेपर में हल होने के लिए हो गए हैं। आज हम बात करेंगे मजीद कुछ क्वेश्चन की, तो ये भी क्वेश्चन आपने लाजमी अंडरस्टैंड करने हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारी पेपर प्रिपरेशन स्कीम से मुतलक, वो है डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ले स्टूडेंट्स, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ये अगर आपको दोनों पूछ ले तो आपने क्या करना है, मिनिमम 4-4 इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस लिखना है। और अगर आपको सिंपली कह दे एक्सप्लेन द इनपुट डिवाइसेस तो फिर आपने सारी इनपुट डिवाइसेस को लिखना है, या कह दे एक्सप्लेन द आउटपुट डिवाइसेस फिर सारी आउटपुट डिवाइसेस को ही आपने लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। सॉफ्टवेयर, इसका क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स आपको ना 2 किस्म की सॉफ्टवेयर की टाइप है, एक है सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये अक्सर आपको ऐसे भी पूछता है, सिर्फ कह देता है डिफाइन सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन द सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसमें आप सिर्फ सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर की टाइप्स लिखोगे। और सम टाइम आपको क्वेश्चन ऐसे कहता है डिफाइन सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन डिटेल एंड, या आपको कहता है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन डिटेल, तो आप उसमें टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही लिखोगे। लेकिन इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आप किसका लिखोगे, सॉफ्टवेयर का लिखोगे। 2 क्वेश्चन आपसे मैंने शेयर कर दिए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको कह सकता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस, डिवाइसेस, ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने हल करना है, इसको भी याद करना है। देखिए समटाइम्स वो क्या कहता है, सिंपल प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस का की वो बात करता है, तो आप प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस को ही लिखोगे। समटाइम्स वो आपको क्या कहता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर लेता है, तो उसमें आप सिर्फ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज ही लिखोगे। लेकिन मोस्टली उसने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इकट्ठा पूछा हुआ है। और आज की वीडियो की लास्ट हम क्वेश्चन की बात अगर करें, 3 क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर कर दिए, तो लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटरनेट से रिलेटेड। तो आपको इंटरनेट के लिए के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटर
नेट। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सिंपल भी है, इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस आप कितने लिखेंगे? मिनिमम 15। डिसएडवांटेजेस कितने लिखेंगे? मिनिमम 8 डिसएडवांटेजेस आप लाजमी लिखेंगे। और इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, वो है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी काइंडली आप कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक मैंने आपको 5 क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, 11 क्वेश्चन मैंने आपको पहले कहा, 5 क्वेश्चन ये हैं, 11 और 5 आपके 16 टोटल क्वेश्चन आपके बन गए, और सिर्फ एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा। वो क्वेश्चन क्या रह जाएगा? मैं टोटल आपको सिर्फ 17 क्वेश्चन करवाने लगा हूं, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रह जाएगा, वो है आपके पास ये जो एडवांटेजेस या फीचर कह लें या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, तीनों क्वेश्चन का एक सिर्फ आपको मैं फीचर दूंगा, वही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लेना है, उसे को याद कर लेना है। कोई भी आपको पास पूछ ले, वर्ड पूछ ले, एक्सेल पूछ ले या आपको पावर पॉइंट पूछ ले, आपने उन्हीं फीचर्स को आपने राइट डाउन करना है और लिखना है अपने पेपर के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको टोटल 16 अभी तक क्वेश्चन करवा दिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसकी बात करेंगे। अभी तक आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर वीडियो लेट आती है। स्टूडेंट्स मेन मकसद क्या होता है कि तब तक आप याद तो कर लो ना चीजों को। तो अभी तक 16 क्वेश्चन आपको बता दिए, इन 16 क्वेश्चन को याद करो, इंशाल्लाह तआला आपके 5 क्वेश्चन तो यहां से सोल्व हो जाते हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।